भाई जान, मैं रमजान चल रहा है और भूख से मेरी जान जा रही है। अल्लाह के नाम पे कुछ खिलाओ पिलाओ वरना मैं मर जाऊंगा। हट्टे कट्टे होकर रोजा नहीं रख सकते भाई जान? सीधी सी बात है, सुबह से लेकर शाम तक मांगना पड़ता है, इसीलिए मैं रोजा नहीं रख सकता। क्या आप मुझे कुछ खिला पिला सकते हो? अच्छा रुको, मैं घर जाकर देखता हूँ, अगर कुछ बच्चा कुचा पड़ा है तो तुम्हें आकर देता हूँ। ये दूध बच्चा पड़ा था, पियोगे? हाँ क्यों नहीं। चस आ गई। और थोड़ा सा बचा हुआ है, ले आऊं? हाँ हाँ ले आओ, अल्लाह आपको खुश रखे। अगर आप जैसे बंदे जिंदा हो तो मुझ जैसे फकीर कभी भूखे नहीं मरेंगे। ये लो बाबा, मेरे होते हुए आप ऐश करो। और नहीं पड़ा थोड़ा सा ले आओ। अच्छा देखता हूँ, अगर होगा तो ले आऊंगा। ये लो बाबा पियो। बहुत अच्छा दूध था, गाय का था या भैंस का था? ना ये गाय का था ना भैंस का था, ये तो कुत्ते का बच्चा हुआ दूध था और आपको पिला दिया। शर्म करो, फकीरों के साथ मजाक करते हो, बेवकूफ इंसान, जहल इंसान। जाओ जाओ, दफा हो जाओ। एक तो रोजे नहीं रखता और इसे मिल्क शेक पिलाओ। बड़ा आया, कुत्ते का बच्चा हुआ दूध तू पी। हाँ भाई, अल्लाह के नाम पे कुछ खिला पिला दो, सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ? रमजान में? अच्छा तो ये बताओ क्या खाना पसंद करोगे? कुछ भी खिला दो चलेगा। तो फिर चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। अब बताओ और कुछ खाना या काफी है? नहीं नहीं अब मेरी इफ्तारी हो गई है। चल फिर। वकील साहब, हमने ज़कात और फितराना दे दिया है। अच्छा तो फिर कुछ खिला ही दो। अच्छा तुम इधर रुको, मैं अभी लेके आया। लगता है कोई सखी आदमी है, कोई बड़ी चीज लेके देगा। मुझे पहले पता था कोई बड़ी चीज लेके देगा। अंग अंग अंग। चले पीछे आ। बैंक लेके जा रहे, लगता है पैसे निकलवा के देगा। बाबा नीचे उतरो। अभी तक कुछ दिया नहीं है, पहले बोल रहे हो नीचे उतरो। बाबा आपको झूले तो दिए हैं, आपको पता है पेट्रोल कितना महंगा है, जाओ माफ करो। नहीं करना मुझे बेकारियों वाले काम।